मोहन शाह और आप देख रहे हैं केकरी न्यूज। क्या मायावती बीजेपी की बीच रूप है? क्या यूपी चुनाव में डीएसपी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया? क्या बीएसपी की वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए और क्या बीएसपी की वजह से समाजवादी पार्टी हार गई? ये वो तमाम सवाल है जो उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के बाद पूछे जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी आज की खास रिपोर्ट में। क्या मायावती बीजेपी की बी टीम है? क्या यूपी चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया? क्या बीएसपी के वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए और क्या बीएसपी की वजह से समाजवादी पार्टी हार गई? ये वो तमाम सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के बाद पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सारे सवालों की जड़ में है मायावती की चुप्पी, जो पूरे चुनाव में कायम रही। संभवत ये पहला मौका था जब मायावती और उनकी पार्टी ने बेमन से कोई चुनाव लड़ा। कम से कम बेमन से लड़ती हुई दिखाई पड़ी। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से चुनाव खत्म होने तक मायावती कहीं भी सीन में नजर ही नहीं आई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कम चुनावी रैलियां की। आपको बता दें, यूपी चुनाव के दौरान जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 रैलियां की और रोड शो किए, तो वहीं मायावती सिर्फ 18 बार रैली करते हुए दिखाई पड़ी। जबकि प्रियंका गांधी ने 209 और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 203 और अखिलेश यादव ने 141 रैलियां और रोड शो किए। यहां तक कि पूरे चुनाव के दौरान मायावती सिर्फ एक बार मीडिया के सवालों का जवाब देती हुई नजर आई। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर मायावती ने जनता से इतनी दूरी क्यों बना रखी है? चुनाव के दौरान जब खुद मायावती से ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये कहकर इसे टालने की कोशिश की कि उनके काम करने का तरीका अलग है और वो रोड शो नहीं करती, गली मोहल्ले में नहीं जाती। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी कैडर वाली पार्टी है। उन्होंने कोरोना के दौरान पूरे साल लखनऊ में रहकर जमीनी मेहनत की, छोटी छोटी मीटिंग्स करके कार्यकर्ताओं को समझा, लेकिन जानकार मायावती की दलील से इत्तेफाक नहीं रखते। जानकारों के मुताबिक उनका मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में बीएसपी का नॉन मुस्लिम कोट वोटर जाटव और पासी कोरी वाल्मीकि खटीक जैसी जातियां बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, जबकि कुछ मुस्लिम कोर वोटर एसपी की तरफ चले गए। इस बड़े शिफ्ट से बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचा है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि 2017 के बाद से ही मायावती की पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। हालांकि महीनों में कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर जाने का भी नुकसान मायावती को उठाना पड़ा है। मायावती के कोर वोटर छिटकने की बात को पिछले चुनाव के आंकड़ों से भी बल मिलता है। बीएसपी को 2017 में 19 सीटें मिली थी और तब उनका वोट प्रतिशत 22.20 था, लेकिन 2022 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट नसीब हुई है और पार्टी को 13% से भी कम वोट मिले हैं। वहीं पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को सीटें भले ही कम हो गई हों, लेकिन उनका वोट परसेंट बढ़ा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी के साथ नए वोटर्स जुड़े हैं और जानकारों के मुताबिक इनमें ज्यादा संख्या बीएसपी से ट्रांसफर हुए वोट है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि चुनाव से ठीक पहले गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई थी या पहुंचा दी गई थी कि बीएसपी और बीजेपी एक ही है, यानी कि एक साथ है, जिसको लेकर बीएसपी पर बीजेपी के बी टीम के आरोप भी लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलितों की राजनीति करने वाले मायावती का इस तरह वॉकओवर देना उनकी पार्टी और लोकतंत्र के लिए कितना सेहतमंद है? 10 साल पहले तक प्रदेश में सरकार चला रही पार्टी आज एक सीट पर सिमट चुकी है, जो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। राजनीतिक जानकार उनकी रणनीति के बारे में स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं बोल पा रहे। हालांकि ज्यादातर का मानना है कि मायावती किसी सोची
समझी रणनीति के तहत ही काम कर रही है, लेकिन इससे उन्हें क्या और कितना फायदा या नुकसान होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा।